नगर विकास न्यास द्वारा भीलवाड़ा शहर से पालड़ी को जोड़ने वाली कोठारी नदी पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पुलिया पर जाकर मौका देखा और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आरसीसी कर बनी पुलिया हथौड़ी पटकने से भी नहीं टूट सकती, वह पुलिया मात्र हाथ से पत्थर पटकने पर टूट रही है, तो फिर कई टन भरी हुई ट्रक टेलर कैसे निकलेगी। इससे यूआईटी के अधिकारी और ठेकेदार जांच के घेरे में है। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने कहा कि बहुचर्चित भीलवाड़ा से पालड़ी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर पिछले काफी समय से निर्माण में हुई गड़बड़ी और धांधली के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थे। वहीं इस पुलिया का निर्माण समय पर पूरा नहीं किए जाने को लेकर भी आमजन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने मौका देखा और पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी की जाँच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एडवोकेट शिवलाल शर्मा, इंजीनियर गोपाल जिंगर, सत्यनारायण गुग्गड़, डॉक्टर उमाशंकर पारिक तथा प्रदीप चौधरी को कमेटी का सदस्य बनाया गया तथा 1 माह में तकनीकी गुणवत्ता निर्माण और प्रशासनिक कार्य के बारे में जांच का रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। जिलाध्यक्ष तेली ने आरोप लगाते हुए कहा कि भीलवाड़ा से पालड़ी को जाने वाली सड़क पुलिया निर्माण के लिए नगर विकास न्यास ने लगभग 13 करोड़ का टेंडर किया था, लेकिन समय सीमा निकलने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और जो निर्माण हुआ उसमें भी गड़बड़ी है। इस निर्माण कार्य की तुरंत जाँच होनी चाहिए, इसमें अधिकारी और ठेकेदार की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए और आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने आरोप लगाया कि जहां जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वह बहुत ही घटिया किस्म के हैं, उन सब की जांच की मांग भी की। इस दौरान जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, कमेटी के 5 सदस्य दिनेश सुतार, हिमांशु शुक्ला, मनीष जांगीर साथ थे। लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की यह रिपोर्ट। अभी हम भीलवाड़ा शहर से पालड़ी को जाने वाली एक पुलिया है जिसे नगर विकास न्यास ने 6-7 साल पहले टेंडर किए थे और उसका निर्माण करवाया था और ये निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, निर्माण चल रहा है, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली कि ये पुलिया का निर्माण घटिया तौर पे किया गया है, इसमें जो सीमेंट है, रेत है और अन्य सामग्री का जो उपयोग किया गया है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है और ये भी देखा यहाँ आकर कि पुलिया के अंदर छेद हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी पुलिया है और बहुत ही गुणवत्ता के साथ बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आके देखा तो खड्डे हो रहे हैं। मैंने एक पत्थर से सीमेंट की जो बनी हुई पुलिया है उसको देखा है, तो एक मिट्टी को भी जब खोदते हैं तो जोर लगाना पड़ता है और समय लगता है, लेकिन यहाँ पर खोद कर देखने पता लगा कि ये वास्तव में मिट्टी से भी बेकार बनी हुई है। तो इसकी हमने भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से एक जाँच कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और एडवोकेट शिवलाल जी शर्मा और इंजीनियर गोपाल जी जिंगर और उनके साथ 3 सदस्य हैं जो इसकी जांच करेंगे, 1 महीने में देंगे कि वास्तव में अधिकारियों की मिलीभगत रही है, ठेकेदार की मिलीभगत रही है और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और ये पुलिया क्या चलने लायक है या रिपेयरिंग लायक है या नहीं बनने लायक है, इन सारे विषयों पर वो जाँच करके 1 माह में रिपोर्ट देंगे। वास्तव में जिस तरह की सुनते थे कि घटिया निर्माण होता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का क्या नमूना है और इस सरकार का किस तरह से निर्माण पर ध्यान है और गुणवत्ता पर ध्यान है या नहीं है, भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ गया है, ये एक नमूना आज नगर विकास न्यास की ओर से जो पुलिया बनाया गया है उसके अंदर देखने को मिला है और इस पुलिया पर अभी जाँच नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि जाँच की जावे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जावे और ये गुणवत्ता के अनुसार जो निर्धारित मापदंड है निर्माण के उसके अनुसार बनाई जावे। अभी जो जहां से ये क्षतिग्रस्त है पुलिया उसका हमने अभी देखा है, उसमें कई सारे पॉइंट्स सामने आए हैं। विशेष तौर से एक तो ये है कि यहां पर जो सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्स रहा वो ठीक नहीं रहा, फिर दूसरी बात यह है कि उनकी तराई प्रॉपर नहीं हुई उस कारण से, और उससे पहले इसका कॉम्पेक्शन सही नहीं है। अभी हमने उसको थोड़ा सा पत्थर से मतलब यूँ टेस्ट किया उसको, तो वो जगह जगह से थोड़ा सा पत्थर मारने से ही टूट रही थी, है ना। तो इसका मतलब यह है ब्रिटल है, यानी वहाँ से भंगूर है, भंगूर होने का कोई कारण ही नहीं है अगर ये सही क्वालिटी से बनता था। कुल मिलाकर इसकी एक तो कॉम्पेक्शन पूरा नहीं हुआ है, दूसरी बात इसमें जो सरिये लगाए हैं इसमें दोनों तरह के रिइंफोर्समेंट है, टॉप रिइंफोर्समेंट है और बॉटम रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, वो डिजाइन देखने से पता लगेगा, लेकिन
जो स्पेसिंग है इसका, जो सरिये के बीच में जो स्पेसिंग होती है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है, वो इसमें डिफरेंट है, अलग अलग जगह है। जैसे ऊपर 6 इंच है तो कहीं 5 इंच है, कहीं 7 इंच है, और नीचे 3 इंच है तो कहीं 2.5 इंच है, कहीं 3.5-4 इंच है। इस तरह इरेगुलर इसमें स्पेसिंग रखी हुई है, तो वो भी एक इसकी कमजोर होने का कारण है। और सीमेंट मिक्स को कितनी देर में काम में लिया ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पता लगा है कि यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल की जो लैब एस्टेब्लिश होनी थी वो शायद नहीं हुई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जी, मेरा नाम गोपाल लाल जिनगर, मैं रिटायर्ड एक्शन हूँ, सिविल इंजीनियर। नगर विकास न्यास द्वारा कोठारी नदी पर करीब 13 करोड़ की लागत से बनने वाले पुलिया जो 2 दिसंबर को क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी, अब उसके बाद में इसमें राजनीति भी तेज हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व यहाँ पर एक 5 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने भी इस पुलिया का यहाँ निरीक्षण किया, और जिस प्रकार उन्होंने पुलिया का निरीक्षण करते हुए आरोप लगाए हैं सरकार पर, इस निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने इसके अंदर जो पूर्व इंजीनियर है, साथ ही शिवलाल शर्मा जो एडवोकेट है, उनके साथ ही 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, वो इस टीम की जाँच कर रही है, और साथ ही उन्होंने भी इसमें निष्पक्ष जाँच के साथ ही उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। और हम बताना चाहेंगे कि इस पुलिया का जो अगर निर्माण की शुरुआत भाजपा के शासनकाल में होती और तत्कालीन यूआईटी के जो अध्यक्ष थे गोपाल खंडेलवाल द्वारा इसका निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, तब से ये शुरुआती दौर में ये पुल काफ़ी विवादों में रहा और कई लोग इस पुल के निर्माण के समय भी भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगे थे। कई आरोप प्रत्यारोपों के बाद इस पुलिया का निर्माण शुरू हुआ था और करीब 13 करोड़ की लागत से इस पुलिया का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन उद्घाटन से पूर्व क्षतिग्रस्त होने के बाद ये मामला वापस तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा का जो टीम है आज यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने यहाँ पर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इस पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।